अस्सलाम वालेकुम मैं YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। और अम्मी और कोमल आज गई हुई आंटी का पता करने के लिए, जैसे कि 2-3 दिन पहले आपसे शेयर किया था आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है पहले से। तो आज कुछ विजिटिंग आवर्स थे उसमें कोमल और अम्मी वहाँ चली गई हैं, तो बच्चे और नैना और मैं घर हैं। तो अभी ना हम लोग बच्चों को लेके आ गए हैं पार्क। हमने सोचा चलो प्लेलैंड इन्हें कुछ झूले वगैरह दिलवाते हैं। और आप सबकी सजेशंस हमें जब ये थी कि जी फार्मेसी से कान सिलवाए जा सकते हैं, तो अभी जो है ना हमने अभी तो खैर रात है, सुबह जो है हमारा प्लान है कि हमने ना स्कीना और हयाम के जो कान है ना वो छितवाने हैं। और फार्मेसी पे वाकई ही रीज़नेबल था, 20-20 यूरो उन्होंने लेने हैं। जो 300 यूरोज़ वाला था उसमें डायमंड के थे टॉप्स। जी आपका भी झूला रुक गया? अच्छा, तो अभी जो है ना आज आपसे शेयर करेंगे, इनके कान भी छितवाने हैं, अभी बच्चों को थोड़ा सा इंजॉय कराते हैं और फिर घर चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। पहले हुसैन को दूँ फिर आपको देती हूँ। जी मामा की जान है, हयाम फातिमा तो जान है। वाली स्किन कह के देखो, भी दिल कर रहा है, वैसे हयाम को निकाल के नहीं। हयाम फातिमा बाय बाय कर दो, बाय बाय। आज हयाम फातिमा की बर्थडे भी है, आज हयाम फातिमा की बर्थडे हो गई है, हयाम फातिमा 2 की हो गई है, बिग गर्ल हो गया मेरा बेटा तो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चल है? उम्मीद है सब लोग खेलिए से होंगे और आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के मैं अपनी बहन के पास आई हूँ, उनका पता लेने के लिए हॉस्पिटल है और हम लोग लकी साबित हुए। पहले तो ये लोग मिलने ही नहीं देते इतनी जल्दी में, ना बाजी इमरजेंसी में थी वो, पता 2-3 दिनों से मेरी अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, टेंशन है। लेकिन आज हम मिलने आए हैं तो माशाल्लाह से उन्होंने नॉर्मल इन्हें किया है कि नॉर्मल है माशाल्लाह से, और इन्हें दूसरे रूम में किया शिफ्ट। लेकिन जब ये घर आएंगे फ्रेश होंगे तो आपसे मैं भी मिलवाऊंगी। अब नीचे से बाजी दिखाओ, बाजी अभी खाना खा रही है, लंच कर रही है आंटी, ठीक है। लेकिन हम आए हैं तो आंटी को रूम मिल गया माशाल्लाह, इतनी रिकवरी है आंटी। तो बाजी को सेपरेट रूम मिल गया, इमरजेंसी से इन्होंने ICU से शिफ्ट कर दिया। और ये सब आप लोगों की मेहरबानी और शुक्रिया कि आप लोग इतनी ज्यादा हमारी फैमिली के लिए दुआएं करते हैं और हमारे सब रिलेटिव के लिए भी दुआएं करते हैं, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह ताला अब घर जाके आपसे मुलाकात होगी और बाजी से बहुत जल्दी आप मिलवाएंगे, ठीक है। वो जंगले ऐसे ही पकड़ती है कि तुम उसे गिरा दोगी, यही समझ रही है। याम असल में पक्की हो गई है, याम उतर नहीं रही। हयाम और स्कीना की बर्थडे हमने करनी है लेकिन 9 रबीउल अव्वल के बाद करेंगे जब अब्बू भी आएंगे। हाँ, इंशाल्लाह और कशान को छुट्टी होगी और अभी जो है ना बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और अम्मी हमारे पीछे ही पहुंच आई हैं हॉस्पिटल से वापस आके, अम्मी अपनी चाय पी रही हैं थोड़ी देर। हयाम फातिमा बेबी को दे दो झूला, कहती है नो 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 दे दो, ठीक है मैं दे दे। मेरी बेटी बन गई है, मैं बेबी को कुछ झूले दूंगी। तो बेबी ने जंगली ऐसे पकड़े जैसे तुमने बेबी को गिरा देना नीचे, ये देखो हयाम फातिमा इतने अच्छे झूले दे रही है ना स्कीना को, ये देखे। ये देखो स्कीना। आप सब ने फार्मेसी की सजेशन दी थी कान छिदवाने के लिए, हम फार्मेसी पे आ गए, आओ जूस लेके आए, जूस नहीं लेना। हयाम को पता चल गया कान छिदवाने वाला, हनी नैना और मैं आए, हनी पहले इसके करवाओ, चलो जूस नहीं लेना जूस। देखो यहाँ ठीक है ना सुराख, नीचे नहीं है ज़्यादा, नीचे नीचे थोड़ा इस पे पुम हो जाने है थोड़ा सा ऊपर में, थोड़ा सा ऊपर मिड में इन मेरी साफ करेंगे, कुछ भी नहीं है नहीं होती।
चले जी, हमारी तो जंपल इनके पैसे हो गए हैं पूरे। हुसैन ने इसे एक्सेप्ट करने पर थोड़ा सा टाइम आज लिया, लेकिन ये है कि अब जो है ना हुसैन ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हुसैन खेलता है टेरेस की तरफ और इस तरफ से हुसैन आता है इधर शीशे की तरफ। हमने ये भी बंद किया, फिर हमने जो है ना हुसैन के लिए ना अब टेरेस पे भी ऑब्वियसली नहीं जाएगा, और अंदर जो है ना ये सारी बॉल जो टॉयज जो इनकी पसंद के है ना इन्होंने वो डाल ली है। बॉल्स तो बहुत और मंगवा, अभी ना हमने रात की ना इसकी 300 बॉल्स ऑर्डर की, क्योंकि हुसैन कहता है कि ये फुल भरी होनी चाहिए बॉल्स के साथ। वो प्ले लैंड जाता है तो उसे पता है, लेकिन अब ये है ना कि हम बड़े आज मैं टेंशन में थी आज, असल में ना हयाम की, हुसैन की, स्कीना की और मेरी चारों की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि पंखे पता नहीं सूट नहीं किए, क्या मसला हुआ है। बहरहाल शुक्र है अल्लाह का, बच्चे खुश हैं तो सब खुश हैं। चलें जी, चलो जी जंप हुसैन, जंप जंप, गुड। चलें, ये हमारी रौनक ठीक बन गई है माशाल्लाह। ये वाले केक ले चले, ये वाले या ये कोमल और मैं मेरे का दोनों पर सामान लेने आया घर का ग्रोसरी करने, या ये केक ले लो या आप वो क्रोसॉन ले लो। उस दिन तो जो मैं लेके गई थी वो तो मज़ा ही नहीं आया। ये कोमल ब्रेड आप पीछे से लेकिन पढ़ के लेना इंग्रेडिएंट्स, हाँ, तो लेंगे। ये केक हमने ले, हाँ यही ले लो, ये ठीक है बच्चे भी खा लेंगे। ये सिन ग्लूटेन मामा को डॉक्टर ने ब्रेड, ये कोमल अपनी भी एक ब्रेड यहाँ से ब्राउन ब्रेड ही ले लो। वेजिटेबल्स का पैकेट गया, उससे मैक्रोनीज बना रही थी। ये हरी मिर्च इनकी बहुत अच्छी है, दो दफ़ा हम आए लेकिन हमें ये मिली नहीं है। ये इनकी यहाँ से बहुत अच्छी छोटी छोटी पैकिंग्स मिल जाती हैं, इसे हम उस दिन लेके गए। ये क्या, ये हमारा अभी तक का सामान। और ऊपर से क्या चीज़ें लेनी है, चिप्स और नींबू, छली भी और लेखिया भी। ये मसर और ये चने भी, मुझे कि चने कोमल डालती है फ्रूट चाट में, बहुत ही टेस्ट अच्छा देता है उसमें चनों का। ये वाली अच्छा, इनका ना वाकई बहुत अच्छा सा लुक में बहुत अच्छी बनी है इनकी शेप जो है। ये हम लास्ट टाइम आए थे तो ये माचिस की इतनी बड़ी पैकिंग थी, और आज हम आए तो इतनी टिड्डी सी माचिस हो गई है। हाँ हमारी माचिस कहाँ गई, हमें तो बड़ी परेशानी ना कि अपनी माचिस ना मिलने पर इतनी पिद्दी सी हो गई हुई है। ये चले ना, ये क्या है, रस्ट में क्या है, रसगुल्ले नहीं है गोमल, कोई वेजिटेबल है लेनी। ये आलू है, आलू बताता आलू होता है, छोटे बेबी पोटैटो है ये। हाँ ये बेबी पोटैटो है। ये भी इन्होंने ये बेबी कॉर्न्स रखी है, ये भी बहुत ही अच्छी लग रही है। लेकिन गोमल कहाँ यूज करेंगे हम, सैलड वगैरह में, ये सैलड टू यूज सैलड, और जिस तरह के वो हम तोर्तिया रैप्स बनाते हैं उसमें ये मजे की, सबसे जो मजे की चीज़ है क्यूट वो ये लगी है ये। हाँ ये चुकंदर ना, चुकंदर हाँ, ये जूस का ये वाला फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, हम यही जो होता है आजकल पीते हैं। ये कोमल को बहुत पसंद है। ये भी अपने खत्म हो गए, ये ग्रांडे ही लेते हैं ना, ग्रांडे ही लेते हैं। ये आप कहते हो कि इसे वॉश करना है, स्पंज लेने, ये स्पंज भी ले, मॉप भी लेने, तो मैं मॉप तो भी ले लें, यही यही वाले लेते हैं। मैं अपनी ब्रेड के बारे में बहुत सा, मेरी ब्रेड नहीं फिसनी चाहिए, भी ले लेनी है, स्पंज भी ले लेनी है, और आपने कपड़े भी लेने, उधर से खुशबू लेनी है हमने। कौन सी वाली लेनी है, ये ना लेने से, लेकिन इसको मैं लास्ट टाइम मजा तुम्हें कहते ना ना अच्छी नहीं है, आपको यही लेवेंडर ही अच्छी लग रही थी, ये ले लो। ये आज फैसला हो गया हमारा रद्दो बदल का, आज हमने खुशबू अपनी जो है जो सफाई जब करते हैं तो पानी में हम लेखिया डाल के साल पूरा कोमल ब्रेड की ना इज्जत से रखो, या आज हमने ना उस खुशबू का टेस्ट ये बच्चों के कपड़ों में, मैं सर्फ नहीं डालती ना, मैं स्कीना के कपड़े इसमें, तो इससे बहुत अच्छे धुलते हैं और बहुत सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि वो अब डालती हैं मुंह में अपने सारे बाजू वगैरह, तो मैं फिर सर्फ नहीं डालती, मैं इसमें ये यूज़ करती, बड़ा अच्छा रहता है। ये भी ले लो एक कोमल, वाइप्स तो हमारे घर ऐसे लगती हैं ना जैसे हम खाते हैं, जैसे हम खाते हैं। ये तीन पैकेट हमारे 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। ये वाला परफ्यूम जो मुझे है ना इनका बड़ा अच्छा लगता है, इसकी खुशबू जो है बड़ी मज़े की। हाँ मैंने ले लेना,
ये आज हमारी ट्रॉली हिलरी को मैंने उसको हाथ रख भी गई ना, तो ये उधर तक जाने और साथ उन लोगों को भी ले जाएगी। और आज मेरे का दोनों में बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि इनका मंडे को मेरा ख्याल है छुट्टी, कल छुट्टी है कि नहीं? कल का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मंडे को छुट्टी है इधर, इसलिए आज बहुत ज़्यादा रश है। ये सारी इनकी फ़िश की, इनकी फ़िश बहुत अच्छी मिलती है, फ्रेश भी होती है और बहुत अच्छी होती है। ये सारी इनकी बहुत अच्छी फ़िश कड़ी हुई है, मामा के लिए हम यहीं से बनवा के लेके जाते हैं। नैना और कोमल लेके आई थी सामान, मैंने ना यहाँ गरमा काट लिया, आपने देखा था फ्रूट्स में आया था, यहाँ फातिमा का ना मैंने काट के जो है ना वो रखा हुआ है गर्म पानी में, क्योंकि ठंडा है ज़्यादा। अभी गरमा खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। खाना जी आज बन रहा है मसर, और मसर ये भी नैना और कोमल आपने देखे मरका दोनों से सारा सामान लाएंगे क्योंकि यहाँ पर छुट्टियाँ, मसर ये वाले बनाऊँगी मैं, ठीक है जी। हरी मिर्चें भी आज आ गई, मसाला मैंने भून लिया, ठीक है, प्याज अदरक लहसुन टमाटर मसाले स्पाइसेस डाल के, हरी मिर्चें मैंने अभी फ्राई भी करनी है, तड़का भी नहीं लगेगा, फिर खाना बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए जी माशाल्लाह खाना हो गया तैयार, बस रात से व्लॉग शुरू किया हुआ था। अम्मी लोग, अम्मी और कोमल गए थे हॉस्पिटल, और क्योंकि यहाँ ज़्यादा विजिटिंग आवर्स नहीं होते और ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, और बच्चों की रात ना हवा भर भर के ना वो मेरे हाथों में ना इस तरह से सारों में ना जख्म हो गए, बाजुओं में खलियाँ पड़ गई हैं, लेकिन चले शुक्र है बच्चों ने एक्सेप्ट किया, वो खुश हो गए हैं। तो अभी जो है मसर भी बड़े अच्छे बन गए हैं मेरे, और उसके बाद साथ ना सैलड बना लिए, साथ जो ना तड़के वाले चावल बना लिए हैं, और साथ ऑलिव्स और चटनी भी धनिया पुदीने की बनाई थी घर पे, और बच्चों का दूध हो गया बॉयल, काम काफ़ी सारे ख़त्म हो गए हैं। अभी याम और स्कीना के कान छिदवाए, उन्होंने एक एक कान अपना दुखा लिया, हालांकि घर आके कुछ ठीक रही हैं, उसके बाद उन दोनों को जो है ना वो मसला हुआ है काफ़ी। और हमारे पास कल से हवा इतनी ठंडी थी ना, अब रात से मुझे हयाम को, हुसैन को, स्कीना को, सबको टेम्परेचर है, सबकी तबीयत खराब हुई हुई है, अब मौसम चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है ना रूटीन की है। बल्कि खाना हो गया तैयार शुक्र है, जम्पोलिन वाला काम भी हो गया, इनके कान भी छिदवा लिए, अम्मी लोग आंटी का भी पता खा रहे हैं, और खाना भी खाएंगे, और आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा सबकी तबीयत ठीक हो जाए, और हमें अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मज़ा आया कि नहीं? बहुत मजे का। हालांकि मैं वीडियो एंड कर आई थी, लेकिन मैंने कहा सबके प्लेट्स दिखाऊं, मसर हालांकि वो पैकिंग वाले थे, नेचुरल नहीं थे बहुत, लेकिन ऑलिव्स सैलड मसर चावल बहुत मजे के बने हैं। अभी मैं आपको यहाँ भी टेबल के भी हालात दिखाती हूँ। मानो के कान देखे बड़ी प्यारी लग रही है, यहाँ ये मेरी प्लेट है अभी, लेकिन काफी कुछ बड़ा। चले जी, अब अल्लाह हाफिज़।